तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बीओबी का क्रेडिट कार्ड है इजी क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया है और जल्द हमें यहाँ पे डिस्पैच कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बीओबी क्रेडिट कार्ड है सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्पैच हो चुका है ब्लू डार्ट कुरियर के द्वारा, और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी भी प्रोवाइड कर दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आहिल टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से लेकर अप्रूव होने तक और उसके बाद डिस्पैच होने तक कितना समय लगता है, और पूरा अप्लाई करने के बाद आपके घर पे कब तक वो पहुंच जाएगा, इसका मैं बारे में फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा भी कब कब मेरे साथ क्या हुआ था अप्लाई करने के बाद। आज यहाँ पे मैं 29 जुलाई 2022 के वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, तो मैं यकीन करता हूँ आपको कोई अदर वीडियो यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा इस जानकारी के लिए कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है और कब कब होता है, ये पूरा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कवर टॉपिक क्या है। कवर टॉपिक ये है कि मैं पहले आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई जब कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, वीडियो केवाईसी कब होता है, और वीडियो केवाईसी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद आपको क्या यहाँ पे करना पड़ता है, उसके बाद जब वीडियो केवाईसी हो जाता है उसके बाद अप्रूव्ड होने में कितना समय लगता है आपको, ठीक है, कब मैं अब अप्रूव्ड हुआ मेरा क्रेडिट कार्ड, मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ दिखा दूंगा, और जब आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है उसके कितने दिन के बाद डिस्पैच होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और डिस्पैच होने के बाद कब तक आपको मिल जाता है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगा। और इसके अलावा जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो आपको उसका लिमिट पता नहीं होता है और कार्ड वेरियंट पता नहीं होता है, कार्ड वेरियंट अगर पता भी है तो लिमिट आपको पता नहीं होता है कि मुझे कितना लिमिट मिला है, तो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दूंगा कितना आपको लिमिट मिला है, कैसे आप पता कर सकते हैं, काफी इजी प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। 5 जुलाई को ये जो मैसेज आया था हमारे जीमेल आईडी पे जो मेल आया था इसमें डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था। डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेंडिंग डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट लाइन में यहाँ पे दिया गया है, साथ में एप्लीकेशन नंबर और हमारा नाम यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप बीओबी का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए जो ऊपर का रेफरेंस आपको दिख रहा है जो एप्लीकेशन नंबर, इसमें आपको प्रोवाइड करना है क्लियर कॉपी प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, यानी कि मैं जो परमानेंट मेरा आधार का एड्रेस है उस एड्रेस पे मैं नहीं हूँ, भी मैं करेंट एड्रेस दूसरा एड्रेस है मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस, तो वहाँ का जो है कि वहाँ प्रेजेंट एड्रेस जो है वहाँ का प्रूफ मांगा जा रहा था, आधार कार्ड फ्रंट या बैक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे या फिर दूसरा जो ये मांग रहे थे ITR मांग रहे थे, असेसमेंट ईयर 2021 और 22 का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल था, ITR भी मेरे पास अवेलेबल था और मेरे पास ये जो प्रेजेंट एड्रेस का जो प्रूफ है ये भी मेरे पास अवेलेबल था। और नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ईमेल आईडी document@bobfinancial.com, इस पर हमें सेंड करना था ये दोनों डॉक्यूमेंट, तो हमने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया अपना डॉक्यूमेंट्स जो है कि 5 जुलाई को हमने सेंड कर दिया। इसके बाद का मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद फ्रेंड्स हमें कोई भी यहाँ से जो है कि वहाँ से कोई भी रिप्लाई हमें नहीं आ रहा था, कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिला। मैं डेली यहाँ पे स्टेटस को चेक करता था कि यहाँ पे दिखा रहा था कि आपका एप्लीकेशन नंबर इतना इन प्रोसेस, बस खाली यही दिखा रहा था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर 15 जुलाई को यानी 12 दिन बाद 3 तारीख को एप्लीकेशन किया था, तो 15 तारीख को हमारे घर पे एक एजेंट आए वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि होम वेरिफिकेशन के लिए, होम और ऑफिस दोनों वेरिफिकेशन उन्होंने किया। तो यहाँ पे वो आए और यहाँ पे फोटो वोटो खींच के वो ले गए, घर का पूरा ऑफिस का यहाँ पे फोटो उन्होंने क्लिक किया, खींच के यहाँ पे जो है कि लेकर गए। उसके बाद हमें 2-3 दिन के बाद एक मैडम का कॉल आया कोलकाता से ही, आप जहाँ भी होंगे वहाँ पे नियरेस्ट जो क्रेडिट कार्ड का जो ब्रांच होगा वहाँ से कॉल आएगा, क्योंकि ये जो फोटो क्लिक करके लेकर जाते हैं ये ब्रांच में जाकर सबमिट कर देते हैं जो नियरेस्ट आपका क्रेडिट कार्ड जो ब्रांच है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से रीवेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा। तो एक मैडम का कॉल आया था, उन्होंने मेरा फिर से एड्रेस जो है कि उन्होंने बताया, मैंने हाँ कर दिया, सब कुछ उन्होंने क्रॉस चेक यहाँ पे किया। उसके होने के बाद यहाँ पे हमें 26 तारीख
तक कोई भी यहाँ से रिप्लाई नहीं मिला। काफ़ी स्लो प्रोसेस है बीओबी का, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे 26 तारीख को जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शाम को 4:30 बजे करीब में हमें ये मैसेज यहाँ पे मिला, डियर अकरम खान, योर बीओबी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड योर कार्ड विल बी डिस्पैचेड शॉर्टली। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है 26 जुलाई को और ये जल्द से जल्द यहाँ पे डिस्पैच कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका भी कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो लिमिट आपको नहीं पता होता है और जब तक कार्ड नहीं मिलेगा तब तक आप लिमिट कैसे पता कर पाएंगे, उसका भी एक तरीका है आपको मैं बता दूं। आप कस्टमर केयर के पास कॉल करना है, आपको नंबर आपको क्रेडिट कार्ड का जो कस्टमर केयर है वही है जो वेबसाइट पे मेंशन है, उसके पास कॉल करके आपको बोलना है आपको कि मेरा जो है कि कार्ड अप्रूव्ड हो गया है बीओबी क्रेडिट कार्ड का और उसका लिमिट मुझे जानना है और कौन सा वेरिएंट का कार्ड है वो मुझे जानना है। तो वहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या नाम कुछ भी आपको एक यहाँ पे पूछेंगे, उसके बाद आपका लिमिट वहाँ पे बता देंगे, कार्ड के वेरिएंट कब कौन सा है वो भी आपको बता देंगे। डिस्पैच के बारे में वो बोलेंगे कि नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज में आपका भी डिस्पैच हो जाएगा। हमें भी यहाँ पे स्टेटस चेक कर रहे थे तो वही दिखा रहा था नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज। ठीक है, वहाँ पे दिखा रहा था। तो वहाँ पे इसके बाद से मैं आपको दिखा दूं कि अगला नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ। गाइस 26 जुलाई को जो SMS आया था अप्रूव्ड वाला, उसके बाद डिस्पैच का यहाँ पे सवाल था कि कब डिस्पैच होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे 29 तारीख को लगभग 11:15 बजे हमें जो यहाँ से मैसेज आया इनके तरफ से कि डियर कस्टमर योर BOB क्रेडिट कार्ड इज डिस्पैचड बाई ब्लू डार्ट कोरियर। यहाँ पे कोरियर का यहाँ पे ट्रैकिंग ID भी दिया हुआ है और यहाँ पे आप इजिली ब्लू डार्ट के द्वारा यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 दिन 26 और 29 तीन दिन में हमारा कार्ड यहाँ पे डिस्पैच हो गया है। कुल मिला के यहाँ पे बात करें तो 3 तारीख को हमने अप्लाई किया था और यहाँ पे 29 तारीख को हमें डिस्पैच हो गया और 30 तारीख को कल यहाँ पे देने का बताया जा रहा है। डिलीवरी एस्टिमेट टाइम कल का यानी 30 तारीख को यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कल कार्ड डिलीवर हो जाना चाहिए। अप्रूव होने तक हमें 23 दिन यहाँ पे लगा, 3 तारीख को हमने अप्लाई किया था, 26 को कार्ड अप्रूव्ड हुआ और 29 को डिस्पैच हुआ यहाँ पे, यानी कि 26 दिन हमें जो है कि कार्ड डिस्पैच का लगा और 30 तारीख को ये रिसीव हो जाएगा, यानी कि 27 दिन पूरा लगा कार्ड अप्लाई से लेकर कार्ड रिसीव होने तक। ठीक है, यानी कि 27 दिन में हमने अप्लाई किया और कार्ड हमें रिसीव हो गया, पूरा 27 डेज यहाँ पे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर पूरा बता दिया है कि कितना वक्त लगता है। अगर आपके मन में भी सवाल ये है कि अप्लाई करने के बाद BDO KYC कब होता है, BDO KYC के बाद होम वेरिफिकेशन होता है कि नहीं और उसके बाद से फिर अप्रूव्ड कब होता है, अप्रूव्ड होने के बाद से कितना टाइम लगता है डिस्पैच होने में, ये मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। तो अब आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 29 जुलाई 2022 का ये वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैंने जो बताया मैं आपको यहाँ पे भी देख यहाँ पे प्रूफ आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे BOB क्रेडिट कार्ड का होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम टाइम लग सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जब कार्ड हमारे घर पे डिस्पैच हो जाएगा तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो और एक नया BOB फाइनेंशियल का एक नया एप्लीकेशन आया है, क्रेडिट कार्ड मैनेज करने वाला एप्लीकेशन, तो उसका रिव्यू भी हम करेंगे, उसमें कार्ड कैसे रजिस्टर करते हैं उसका भी वीडियो मैं बना के कल आपको दे दूंगा, यानी कार्ड का अनबॉक्सिंग और कार्ड उसमें एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दोनों मैं करके एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।